नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता आता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आज की हमारी कंपनी है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी काफ़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है और आने वाला फ्यूचर भी इनका बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर रही है, जिस हिसाब से कंपनी अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में यह कंपनी बहुत ही ऊपर जाने वाला है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है, मार्केट अगर करेक्ट हो रहा है तो क्या ऐसे में हमें इन शेयर्स को खरीद लेना चाहिए या फिर नहीं, उसकी भी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों, आज यह किस शेयर क्लोज हुआ है 107.60 रुपये पे। लगभग आप देखेंगे 1.5 से 2% की गिरावट के साथ इस शेयर ने क्लोजिंग लिया है। अगर इनके 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 27 रुपये का इनका लो है, जो कि 12 मई 2020 को कंपनी ने बनाया था अपना लो। वहीं 52 वीक हाई की बात करते तो 114.50 रुपये, जो कि 12 मार्च 2021 को कंपनी ने बनाया था। और अगर आज के हाई की बात करें तो 110 रुपये तक ऑलरेडी यह कंपनी पहुंच चुका था। तो अगर डिलीवरी का डेटा देखेंगे तो आप देखेंगे 20% से ज़्यादा की डिलीवरी इस शेयर में उठाई गई है। क्वांटिटी की बात करें तो 1,07,82,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर कंपनी के थोड़ा सा फंडामेंटल में नज़र डालते हैं तो आप देखेंगे इनका मार्केट कैप है 34,941 करोड़ का, जबकि अगर कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो आप देखेंगे 1.42% का इनका डिविडेंड यील्ड है, यानी कंपनी आपको डिविडेंड भी अच्छा खासा पेड करती है। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 रुपये का फेस वैल्यू है, जबकि बुक वैल्यू है 68.1 का। अगर वहीं स्टॉक के पी की बात करें तो आप देखेंगे 37.7 का पी चल रहा है, जबकि अगर कंपनी के हम इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो आप देखेंगे 19.4 का चल रहा है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर कंपनी के और डिटेल की बात करें तो इसका अगर कंपनी के ऑल टाइम चार्ट की बात करते हैं तो आप देखेंगे यह कंपनी काफ़ी ऊपर तक गया था। कंपनी 160 रुपये तक गया था, जो कि 2008 के आसपास गया था, लेकिन उसके बाद से इस कंपनी में गिरावट देखने को मिला। फिर कंपनी संभलने की कोशिश किया लेकिन संभल नहीं पाया, लेकिन जिस हिसाब से इस बार तेजी देखने को मिला, जिस हिसाब से कंपनी यहाँ से मूव करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस बार यह कंपनी काफ़ी ऊपर तक जा सकती है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की हम बात कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में कुछ खास डेटा आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में यह कंपनी, जैसे कि अगर आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है आप स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो बहुत बार होता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में कोई कंपनियाँ अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं, लेकिन आने वाला उनका फ्यूचर काफ़ी ग्रोथ होता है। जिस हिसाब से आपने देखा इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने वाला है, टाटा की अपनी खुद की व्हीकल जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल वो बनाने जा रहे हैं, तो उसके चार्जिंग पोर्ट वगैरह के लिए भी टाटा पावर का ही काम होने वाला है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। अगर 10 साल की बात करें तो -1% का डिटेल आपको देखने को मिलेगा, जबकि 5 साल में 9%, 3 साल में 10% और 1 साल में आपको 285% तक का डिटेल देखने को मिल जाएगा। अगर वहीं हम बात करते हैं इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो आप देखेंगे 46.86% की होल्डिंग जो कि प्रमोटर्स के पास है, और इससे पहले अगर 2018 की बात करें तो 33% की होल्डिंग हुआ करती थी, यानी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग खुद ही बढ़ा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये एक प्लस पॉइंट होता है शेयर होल्डर्स के लिए। तो अगर इसमें हम FIIs की बात करते हैं तो 12.17 का है, जबकि DIIs 20% से ज़्यादा की होल्डिंग लेकर बैठे पड़े हैं। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट भी लगभग 1% के पास पहुँचने वाला 0.80% का है, जबकि पब्लिक की बात करते हैं तो 20.11% की होल्डिंग पब्लिक के पास अवेलेबल है। अगर और डिटेल की बात करें तो 1 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो यह कंपनी आपको 300%, यानी आपके पैसे को इसने 4 गुना किया है। 1 लाख की बात करें तो 4 लाख बनाया है। तो जाहिर सी बात है यह कंपनी काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। 1 महीने की बात करें तो लगभग सिर्फ 5% का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा 1 महीने में। हालांकि थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी पिछले 1 साल की बात करें तो 300% का रिटर्न दे चुकी है। तो देख लेते हैं और कंपनी का क्या सपोर्ट बनेगा, कंपनी कहाँ पे सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करेगा, क्योंकि हालांकि आज इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिला है। आज के लो की बात करें तो आप देखेंगे 105.15 रुपये पे कंपनी ने लो बनाया और वहाँ से फिर से बाउंस बैक करके ऊपर जाके क्लोज हुआ है। इसका मतलब जब यह कंपनी ने अपना लो बनाया तो इसमें जो यह कंपनी जैसे ही 105 रुपये के पास पहुँचता है तो इसमें बायर एक्टिव हो जाते हैं और इसमें बाइंग बढ़ने लगती है और सेलर थोड़े से वीक पड़ जाते हैं। तो इस यही कारण आपको आज के कैंडल में बनता हुआ दिख जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या इस शेयर को हमें खरीदारी करनी चाहिए या फिर हमें इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना चाहिए? तो जिन लोगों के पास ये शेयर है वो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़
छोड़ सकते हैं। अगर उनके स्टॉप लॉस की बात करें तो 102 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अदरवाइज चाहे तो 100 रुपए का भी स्टॉप लॉस, यानी थोड़ा सा अगर आप अपना रिस्क फैक्टर बढ़ाते हैं तो आप 100 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस लगाकर आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका टारगेट क्या होगा, टारगेट वही होगा, पहला 114 रुपए का बनेगा और जैसे ही यह लेवल टूटेगा फिर आपको इसमें 125 से 130 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा। शेयर काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, जिस हिसाब से कंपनी आगे फ्यूचर के लिए काम कर रहा है वो डिटेल्स काफ़ी अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर आपका प्लेइंग शॉर्ट टर्म है तो आपको क्या करना चाहिए, तो दोस्तों आज 107 रुपये 60 पैसे पर ये शेयर क्लोज हुआ है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म चाहिए तो 105 रुपये का आप SL लगाइए, आपका टारगेट क्या होगा 114 रुपये का आप टारगेट रख सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे तो 110 रुपये, यानी कि आपको छोटा अगर प्रॉफिट चाहिए तो 110 रुपये का आप इसमें प्रॉफिट अपना टारगेट रख कर आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी माने तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट रहेगा। तो अगर इसके अलावा कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।